नारायण 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 ऐसे आनंद में जो आ जाते हैं वे भाग्यशाली हैं। और भगवान के कृपा के विशेष पात्र ये धन संपत्ति से नहीं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके को ये जमघट बैठा दे आती वर्ष नहीं है। बाल बुद्धि राज्य आदि में ताकत नहीं, ऐसा संगत में बैठा दे तो ये भगवत कृपा से उत्तराखंड की भूमि, गंगा जी का किनारा, सेठों का यह स्थल, ये सत्संग करने वाले भाई विचित्र विचित्र बात लिखती है। लोगों की कहावत है सुमानुष ने बैठा करी कुमानुष ने दूर कर दी, मन अच्छे पुरुषों से मिलाना और दुष्टों से दूर करना। अब एक एक गांव में जाकर पूछा कि सज्जन कौन कौन है, अच्छे अच्छे पुरुष कौन कौन है, तो टाल करके कैसे दर्शन करें, नहीं कर सकते। और यहाँ पर आए हैं उनमें अच्छे पुरुष पीछे तो रह गए हैं, पर आए हैं दुष्ट नहीं आया है, सज्जन सज्जन आए, इतने गांव के सज्जन पुरुष इकट्ठा हुए, चुन कुन चुन करके करे तो नहीं कर सकता आदमी। अच्छे अच्छे काम धंधे के कारण कई तरह की झंझट से नहीं आ सके, ये तो हो सकता है, मन आए हैं उनमें निकृष्ट कौन आएगा। यहाँ सत्संग के विचार बिना, गंगा जी के भाव के बिना, कीर्तन के इधर लाभ के बिना, आस्तिक भाव के बिना क्यों आएगा। तो अपने देश के तरह तरह में कोने कोने से जो अच्छे अच्छे आदमी है वे इकट्ठे हुए हैं, तो ऐसे को दर्शन कितना मिले, ऐसे दर्शन कितना कहाँ मिलता है, दर्शन दुर्लभ है, वही यहाँ सुलभ हो गया। उसमें आप हम भर्ती हो गए, ये कोई भगवान की कृपा है, हम लायक नहीं है इनके, कृपा करी भगवान ने। बात ऐसी बहुत सी बातें हैं। सियावर रामचंद्र की है, मोर मुकुट पर श्रीवार की है, नारायण नारायण। राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 19 मई 1990 सायंकाल लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।